ओडिशा के कालाहांडी से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर है। यहां के एक आदिवासी शख्स को अपनी बीवी की लाश कंधे पर रखकर 12 किलोमीटर इसलिए पैदल चलना पड़ा क्योंकि उसके पास गाड़ी करने को रुपए नहीं थे। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर ओडिशा से है, जहां न केवल एक शख्स को अपनी पत्नी की बॉडी को लेकर 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ा, बल्कि इस दौरान उस शख्स की 12 वर्षीय बेटी रास्ते में ही रोती रही। लेकिन उस गरीब की ना किसी अधिकारी ने सुनी, ना किसी नेता ने। दरअसल 42 वर्षीय महिला की मंगलवार रात को भवानी पटना में जिला मुख्यालय अस्पताल में टीबी से मौत हो गई थी। इस प्रकार की स्थिति के लिए नवीन पटनायक की सरकार ने फरवरी में महापरायण योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत शव को सरकारी अस्पताल से मृतक के घर तक पहुंचाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मृत महिला के पति के बार बार कहने पर जब उसकी बातों पर अस्पताल प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया तो पत्नी के शव को एक कपड़े में लपेटा और उसे कंधे पर लाद कर भवानी पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर रामपुर ब्लॉक के मेलघारा गाँव के लिए पैदल चलना शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही स्थानीय पत्रकारों की मदद के बाद कलेक्टर को फोन कर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की। नहीं आएगा सब इतना को लेते लग तो वही गरम तेल लेके गाड़ी गुड़ा ले कोई लोग नहीं रखता कोई ले आएगा काम बोल देखो ना यहां गाड़ी गुड़ा है ठीक कर दो। मैं तो गरीब पिला पैसा नहीं पैसा पत्र किसी नहीं ना पूरे कोयला का हम नहीं हम गाड़ी गुड़ा केन ठीक कर देमु बोली कोई ले आएगा खेती लगे ना ना के मत बर कथा ग्रहण नहीं करन बोली कर मैं वही करन तेल लेके जानला पर आम सीडीएमओ कोई के एम्बुलेंस भी अरेंज करुचे हरिचंद्र सायत्र देवाई तहसीलदार को इंस्ट्रक्शन दिया दिखाई और रेड क्रॉस और किंबा सीएमआरएफ रो भी देवाई मो वीडियो के इंस्ट्रक्शन एम्बुलेंस दिया गोटे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत गोटे घर संस्था एनजीओ ओडिशा सरकार कोटि कोटि टका से बाबद दौरान नियम है टेलीफोन करवा मात्र 108 की डायल करवा मात्र 20 मिनट रु 25 मिनट भाई आंबुलांस पहुँचा कथा सी पहुँचला ना ये जो सरकारी डाक्तरखाना डाक्तर अच्छा सी मध्य बुझे ना एवं आउ एक अमानविक घटना है कौन से कारण गोटे मृत्यु घटले भाईचारा दृष्टि गाँ भाई मैंने शव सत्कार करते तो मृत पत्नी कौन सी सहयोग पाइले से कांधे 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 10 किलोमीटर है यह एक अमानविक घटना यार तदंत हो कार्युषान हम कि जो घटना घटीगला अत्यंत दुखद घटना तादेह जो मैंने काम अवहेला करमानकर मानविक हृदय ना ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା ହଉଥିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ସେ ବେଳେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜମର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଦରମା ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଜେନ୍ସି ଆଲାଉନ୍ସ ଦିଆହେଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅବସର ବୟସକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଉଛି ମାନବ ସେବାରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ସେମାନେ ଯଦି ଅମାନବିକ ହୃଦୟ ନେଇକରି କାମ କରିବେ ତାକୁ ଯିଏ ସରକାର ରହିଲେ କ'ଣ କରିବ ବା ସରକାରକୁ ଏ ବାବଦରେ ନିର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସରକାର ଏଥିରୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ଏ ଯେଉଁ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକ ହୃଦୟ ଅବସ୍ଥାର ଅଭାବ ରହୁଛି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏଇ ଦୁଇ କାରଣରୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଉଛି କଳଙ୍କ। एक तरफ तो सरकार गरीबी हटाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, वहीं ऐसे मामले सामने आने के बाद सरकार की उन तमाम योजनाओं पर सवालिया निशान लग जाता है, जिसको लेकर सरकार तरह तरह के विज्ञापनों पर लाखों रुपए खर्च कर देती है। प्रदेश के सीएम नवीन पटनायक ओडिशा में करोड़ों के विकास का दावा कर महापरायण योजना चला रहे हैं, वहीं इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं पर सवालिया निशान लगा हुआ है।
देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन इस पर कार्रवाई करते हैं या हर बार की तरह इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़ रही मेट्रो टीवी से, तब तक के लिए नमस्कार।